हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहला जो आपका फ्लिप फ्लॉप है, द वेरी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप दैट वी हैव इज कॉल्ड एज SR फ्लिप फ्लॉप। नाउ इन SR वी हैव टू टर्म्स, वन इज S एंड सेकेंड इज R। S मीन्स सेट, S का मतलब क्या है हमारे पास, सेट। एंड R मीन्स रीसेट, R का मतलब होता है हमारे पास रीसेट। S मीन्स सेट, R मीन्स रीसेट। दैट मीन्स हियर दिस इज, यू कैन सी दिस एंटायर इज रिप्रेजेंटिंग योर लैच। ये आपके पास एक लैच है, एंड विद दिस लैच आई एम यूजिंग टू NAND गेट्स टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, राइट? एंड इन दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट वी हैव टू इनपुट्स, वी कॉल द फर्स्ट इनपुट एज सेट एंड द सेकेंड इनपुट एज रीसेट। And why do we even call them as set and reset? हम इनको set और reset क्यों बोलते हैं? See, if you give this value of set as 1 and if you give this value of reset as 0, then this output Q will be changed to 1. Because अगर हम set S की value 1 देंगे तो Q जो है वो 1 में change हो जाएगा। And if we give the set as 0 and reset as 1, अगर set की value हम 0 देंगे और reset की value 1 देंगे, उस केस में ये जो आपका output Q है, this will be changed to 0. Okay, so this is how set and reset SR flip flop works. Let me try to explain this. मैं आपको explain करने की कोशिश करता हूँ, maybe then you will understand it clearly. Okay, so for simplicity purpose, let us assume that here in the flip flop already some bit is locked. कुछ bit जो है वो यहाँ पर locked है. Let us assume here this bit is 0. So obviously this 0 will travel from here to here. ये यहाँ से यहाँ पर travel करेगा. And this bit will change to 1. Again, this 1 will travel from here to here. और यहाँ पर input क्या मिलेगा आपके पास, 1. तो अभी जो आपके पास ये flip flop है, in this flip flop, we are already having a value 0. यहाँ पर value 0 जो है वो already store हो रखी है, और you can say currently this flip flop, currently this latch, or instead of saying flip flop, I can say currently this latch is reset. अभी जो latch है वो reset है. नाउ टू सेट दिस लैच, वट आई कैन डू, थोड़ा प्यार से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड. वट एवर आई एम टीचिंग राइट नाउ, फोकस हियर, फोकस हियर, प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल गेट्स कन्फ्यूज्ड. सो हियर इफ आई पास 1 हियर, मैं एस के अंदर 1 पास कर रहा हूँ, एंड इफ आई एम पासिंग 0 हियर, रिसेट के अंदर 0, सेट इज 1 and reset is 0. So if this 1 will be given as an input to this NAND gate, and this NAND gate will act as a NOT gate. कैसे act करेगा ये? NOT gate की तरह से. तो जो 1 है वो 0 में change हो जाएगा. Correct? So now you can see 0 plus 1, or you can say 0 NAND 1, 0 और 1 का NAND क्या होगा? That will become 1.
तो ये जो वैल्यू है ये 0 से लेकर यहाँ पर 1 में चेंज हो जाएगी, करेक्ट? 0 NAND 1 इज 1, दिस वैल्यू विल बी चेंज टू 1, एंड देन दिस 1 विल ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से ट्रैवल करेगा, एंड इन दिस NAND द इनपुट दैट विल बी गिवन इज 1. इस NAND को अब इनपुट क्या मिलेगा यहाँ पर 1. हियर बट आई विल बी पासिंग, यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ से हम 0 पास कर रहे हैं, सो दिस 0 विल बी चेंज टू 1 बिकॉज ऑफ दिस NAND गेट. एंड यू कैन सी 1 NAND 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, दिस विल बी चेंज टू 0, एंड अगेन दिस 0 विल ट्रैवल फ्रॉम हियर 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 विल ट्रैवल एंड आफ्टर ट्रैवलिंग दिस विल चेंज इट टू 0. नाउ यू कैन चेक इट विल बिकम स्टेबल, अब ये स्टेबल बन जाएगा बाय 0 NAND 0 इज 1, अगेन 1 NAND 1 इज 0, अगेन 0 NAND 0 इज 1, 1 NAND 1 is 0, and so on. So basically, if I pass the value of set as 1, and if I pass the value of reset as 0, in this case, whatever the value this NAND gate is having, it will become set. ये जो आपका latch है, अगर हम लोग S की value 1 pass करेंगे और reset की value 0 pass करेंगे, तो इस NAND के अंदर जो भी value है, वो पूरी value आपके पास set हो जाएगी. Correct? In the same way, if I do something like this, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, इन द सेट इफ आई पास 0, इन द रीसेट इफ आई पास 1, अगर मैं सेट के अंदर 0 पास करता हूँ और रीसेट के अंदर 1 पास करता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, सो इफ आई पास 0 हियर, सो ऑब्वियसली सेट के अंदर 0 पास किया, रीसेट के अंदर 1 पास किया, दैट मीन्स द सर्किट शुड रीसेट. अभी सर्किट में जो लैच है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, लैच इज करंटली हैविंग अ वैल्यू 1, लैच के अंदर अभी करंटली 1 वैल्यू स्टोर्ड है, तो अब अगर मैंने रीसेट के अंदर 1 पास किया, That means this one should change to 0. ये जो 1 है वो 0 में change होना चाहिए, यानी कि जो आपका latch है वो reset हो जाना चाहिए. So if I pass S as 0, then what will happen? With this NOT gate, this 0 will change to 1, correct? And then 1 NAND 0, 1 NAND 0 क्या होता है आपके पास, 1 NAND 0 will become 1 again, correct? Then this 1 will travel from here to here, ये जो 1 है यहाँ से यहाँ पर travel करेगा, and here I'm giving 1, तो यहाँ से मेरे पास 1 है, so this NAND gate will change this 1 to 0. तो यहाँ से आएगा आपके पास 0. 1 NAND 0 is 1. Now look at it here. 1 NAND 0 is 1. और यहाँ पर value क्या थी अब आपके पास? 0. तो अब ये जो value है, वो 0 से 1 में change हो जाएगी. And again, this 1 will travel from here to here. और ये जो 1 है, this 1 NAND 1 is 0. Now you can say, after this, this value will become stable. अब यहाँ से 1 और 1 input जा रहा है, तो हमेशा output क्या आएगा? 0. और यहाँ से 1 एंड 0 इनपुट जा रहा है, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा यहाँ से 1. सो अब यहाँ पर जाके जो वैल्यू स्टेबल हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ क्यू विल बिकम 0 एंड द वैल्यू ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट विल बिकम 1, करेक्ट? तो इस तरीके से अगर आप R की वैल्यू को 1 सेट करते हैं, S की वैल्यू को 0 सेट करते हैं, तो हमारे पास ये जो सर्किट है वो रीसेट हो जाएगा. क्लियर? दिस वन मोर थिंग, अगर आप S की वैल्यू को भी आपने 0 सेंड किया और R की वैल्यू को भी 0 सेट किया, अगर दोनों को आपने 0 सेट किया, देन दिस विल नॉट चेंज एनीथिंग इन दिस लैच. लैच के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर थी वो वैल्यू वैसी ही रहेगी. इफ लैच इज हैविंग अ वैल्यू 0, देन इट विल बी 0 ओनली. अगर लैच पहले से रिसेट था तो रिसेट ही रहेगा, अगर लैच पहले से सेट था तो वो सेट ही रहेगा. ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, जस्ट डू वन थिंग, पॉज द वीडियो गो बैक रिवाइंड. जब तक आपको समझना है, प्लीज़ ट्राई टू गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन, बिकॉज उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं. ओके, सो दिस इज अ बेसिकली ब्यूटी ऑफ वीडियो लेक्चर्स, राइट? आप वीडियो लेक्चर से कितनी बार भी रिवाइंड कर सकते हैं, जा वापिस जा सकते हैं, गो बैक कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं. ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी गुड ब्यूटी. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज योर SR लैच. अगेन दिस इज SR लैच, हमने इसका वर्किंग देखा कि वर्किंग कैसे करता है. सो लेट अस लुक एट द करैक्टरिस्टिक टेबल. तो हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ें बनाएंगे हर एक लैच के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट करैक्टरिस्टिक टेबल फॉर एवरी लैच. वी आर गोइंग टू मेक करैक्टरिस्टिक टेबल, देन वी आर गोइंग टू मेक फंक्शन टेबल and third we are going to make your excitation table, correct? So obviously when you are going to solve questions, why I'm making this excitation table and function table, because they help you in solving the questions, otherwise they do not have any special significance. Function table or excitation table ka koi special significance nahi hai, wo bas aapko ek question ko solve karne mein help karte hain. They only help you to solve the questions
it will become easier. Okay, so let us do one thing. In the next video, let us try to understand what is this characteristic table, function table, and excitation table for SR flip-flops. So in this video, let us discuss about the function table, characteristic table, and excitation table of SR flip-flop. So let us look at here. So what is a characteristic table? So characteristic table is basically the truth table for this. Simple truth table ko hum log characteristic table bolte hain. So I'm saying this is the value of S, this is the value of R, this is the value of Qn, and then this is the value of Qn plus 1. Isko hum log Qn plus 1 bolenge. So basically what I'm saying Qn means the present state. ठीक है, या फिर अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट इन दिस मैनर. ऑब्वियसली इन डिफरेंट बुक्स दे आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टर्मोलॉजी. आई कैन राइट इट एज क्यू एंड आई कैन से द नेक्स्ट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एन. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आप क्यू एन लिखेंगे और इसको क्यू एन प्लस वन लिखेंगे. तो हर एक बुक के अंदर अलग अलग टर्मोलॉजीज यूज है. सो द बुक दैट यू आर रेफरिंग इज ए आनंद कुमार. आई थिंक इन दैट बुक दे आर यूजिंग क्यू एन प्लस वन. Even in Maurice Mano or mostly in your standard books, they are referring Qn plus 1 to represent the next state and Qn to represent the present state. So, main isko likh deta hu yahan par. This is representing the next state and this Qn is representing the present state. Ye aapki present state ko represent karti hai. Okay. So, here you can see that present state means what is the present content of this latch? Present state का मतलब क्या है कि content अभी latch का present content क्या है? आपने S और R की value को क्या दिया? उसके according next content क्या रहेगा? This is what we are trying to identify. So, how many combinations are present? इनके क्या-क्या combinations हो सकते हैं? We can have 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 101, 110, 111. ठीक है. सो लुक एट इट हियर. इसको थोड़ा सा ध्यान से, प्यार से, प्रेम से देखेंगे. सो वी विल लुक एट विद लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट हियर, बिकॉज लव एंड रिस्पेक्ट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? है ना? तो इसको थोड़ा प्यार से देखते हैं. सो हियर यू कैन सी व्हेन आई टेक एस एंड आर बोथ आर जीरो. जब एस और आर दोनों की वैल्यू जीरो है, that means here I'm passing S as 0 and the R is also 0. When both of them are 0, that means it will not create any changes in the circuit. Wo circuit mein koi bhi changes ko perform nahi karega. Whatever the value which is stored in the latch, it will be the same value. Yani ki S aur R ke case mein, agar dono ki value 0 hai, to hum next state mein koi bhi changes nahi karenge. Whatever your present state is, next state will also be the same. So that means this represents no change. ये किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट नहीं करता है. दिस रिप्रेजेंट्स नो चेंज इन द सर्किट. ठीक है, क्लियर है? सो इफ आई टेक एस एस जीरो एंड आर एस वन, सो रिमेंबर दिस, अगर आर की वैल्यू वन है और एस की वैल्यू जीरो है, अगर आर की वैल्यू वन है, दैट मीन्स योर नेक्स्ट स्टेट विल बी जीरो जीरो, और यू कैन से द सर्किट विल रीसेट. तो जो सर्किट है वो आपके पास, जो लैच है वो आपके पास रीसेट हो जाएगा. मैंने इसे एस इज वन एंड आर इज जीरो, S जो है वो 1 है और R जो है वो 0 है. अगर S 1 है और R 0 है, S 1 means set. That means in the latch, the next state of the latch will become 1. So here it will be called as a set. And when both S and R, both of them are 1, now in this case, it is undefined, or you can say this is a don't care conditions here. तो SR जो flip-flop है, अगर हमारे पास यहाँ पर, अगर दोनों 1-1 है, S और R दोनों की value 1 है, तो ये undefined है. ऐसा क्यों? इस वजह से कि अगर मैं S के जगह पर भी 1 पास करूंगा और R के जगह पर भी 1 पास करूंगा, तो उस केस में ये जो लैच है यहाँ पर, लैच की वैल्यू कभी स्टेबल नहीं होगी. लैच की वैल्यू हमेशा फ्लिप करती रहेगी, 0 टू 1, 1 टू 0, 0 टू 1, 1 टू 0. इट विल नेवर स्टे, वो हमेशा फ्लिप करती रहेगी. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं, लेकिन लेट मी ऑल्सो शो यू. लेट अस अज्यूम दैट प्रेजेंट स्टेट इज क्यू एन इज 0. यहाँ पर हमारे पास 0 स्टोर्ड है and I'm giving 1 and 1 here. हम लोग यहाँ से 1-1 दे रहे हैं. So what will happen? 1 will go as a 0. 1 जो है वो यहाँ पर 0 चल जाएगा, and this 1 will also go as a 0. तो अब यहाँ पर चेक करेंगे, because in the NAND gate, 1 input is 0. So it will always give 1 as output. In this NAND gate, 1 input is 0.
सो इट विल ऑलवेज गिव वन एज एन आउटपुट. दोनों जो है वो वन और वन आउटपुट देने की कोशिश करेंगे. एंड यू कैन सी दिस इज प्रेजेंटिंग क्यू एंड दिस इज प्रेजेंटिंग क्यू कॉम्प्लीमेंट. तो यानी कि दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, करेक्ट. तो दोनों के केस में आपको यहाँ पर प्रॉपरली जो है यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर वैल्यू, यू विल नॉट गेट अ करेक्ट वैल्यू हियर, राइट. सो दैट मीन्स दीज SR flip-flop, it is not defined whenever S is also 1 as well as R is also 1. So, sometimes you can see even, आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पर Qn की current value 1 है, तो उसी केस में Q और Qn की next value क्या रहेगी? You can try to do this experiment, you can try to give it value, that will be a very good experiment for you guys. तो आपको समझ आएगा कि इस केस में इनकी जो values है वो stable नहीं है, it is not stable, so that is why we consider them as a don't care condition. हम उसको don't care condition की तरह imagine करते हैं. Clear? Now next is I can make a function table for this. अब इसकी जो function table है वो क्या है? So basically the function table is very easy. Function table is just a variable entrant table for this. यानी कि देखो क्या होता है कि कई बार हमें अगर आपने पढ़ा होगा, I think you must have studied this subject in your college time. And most of the time college में ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं, जो students हैं, वो इस फंक्शन टेबल को बस याद करने की कोशिश करते हैं. सो बिकॉज आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई टाइम, हमारे टाइम पर व्हेन आई डिड माई बीटेक, आई कम्प्लीटेड माई बीटेक इन 2011. मेरी जो बीटेक थी वो 2007 से लेकर 2011 के बीच में थी. एंड बिटवीन 2007 एंड 11 जो ऑनलाइन मीडिया था, जो इस समय पर क्या है कि हमारे पास यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है. इवन लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज आर देयर. इवन यू आर वॉचिंग दिस कोर्स ऑन डिजीमेंटो, यू आर ऑल्सो वॉचिंग दिस कोर्स ऑन टेक्स्ट बुक, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप हमारा कोर्स देख रहे हैं. So you will always identify, आप हमेशा find out करेंगे इस समय पर जो हमारे पास courses हैं, जो हमारे पास knowledge है, जो online education है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें available है. बहुत lot of things, lot of effort is going on right now, from every direction, lot of people are creating more video lectures, more information, more video lectures, more information like this. But when I did my BTEC, I mean in 2007, so that is approximately 13 years ago. तो 13 years ago मैंने अपनी जो बी टेक थी वो स्टार्ट किया था. सो इन 2007 when I did my BTEC, that time all of this information was not available. उस समय पर सिर्फ NPTEL के लेक्चर्स हुआ करते थे and those lectures were so boring. I personally felt, I don't know about others, सभी की अपनी अपनी personal choice है, but for me personally, I personally felt कि वो lectures बहुत ज़्यादा boring हुआ करते थे और उस समय पर समझना पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था. उस समय पर इतना ज़्यादा जो कंटेंट है यूट्यूब पर या किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, इतना ज़्यादा कंटेंट जो है वो फ्रीली अवेलेबल था ही नहीं. सो मच कंटेंट वाज नॉट अवेलेबल. नाउअडेज लॉट ऑफ एफर्ट इज गोइंग ऑन इन इंडिया एंड इट वाज सच अ बूम इन एजुकेशन फील्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स. पिछले 5 सालों में एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा बूम आया है. लॉट ऑफ थिंग्स चेंज एवरी सिंगल डे, डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें हैं वो चेंज हुई हैं, राइट. But anyways, so what I was telling is कि मेरे कॉलेज के टाइम पर वी यूज़ टू रिमेंबर दिस फंक्शन टेबल. हमें इसका कोई मीनिंग नहीं पता था, वी डो नॉट नो कि इसका मतलब क्या होता था. हमें ये भी नहीं पता था कि फंक्शन जो टेबल है इसको बनाते कैसे हैं. वी जस्ट टू से इट जस्ट मैजिकली अपीयर्ड फ्रॉम समवेयर, सम साइंटिस्ट मस्ट हैव गिवन इट. बट ये कैसे बना, क्यों बना, हमने कभी एफर्ट नहीं किया. इवन आवर टीचर कुड नॉट एक्सप्लेन इट, करेक्ट. लेकिन अब I understand this functional table such a basic thing. Itni basic cheeze hain. We have already done k-maps. In the k-maps, we have already done the variable entrant. If we have already done, then creating this function table is very easy, right? Function table to bahut asaan hai. Even creating this excitation table is also very easy. Basically, jo function table or excitation table hai, usme humne sirf is table ko alag-alag form mein represent kiya hai. हमने इसको अलग अलग फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किया? बिकॉज इसको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर कुछ न्यू सर्किट बनाने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. लेट मी शो यू हाउ कैन यू मेक अ फंक्शन टेबल फ्रॉम दिस SR कैरेक्टरिस्टिक टेबल एज वेल एज हाउ कैन यू मेक एक्साइटेशन टेबल फ्रॉम दिस टेबल. तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. नाउ इन दिस केस एज यू कैन सी इन दिस टेबल आई यूज एन एनेबल्स इनपुट. तो एनेबल इनपुट का सेम फंक्शन है. इफ द एनेबल इनपुट इज वन देन ओनली दिस यू नो दिस फ्लिप फ्लॉप विल वर्क. If the enable input is 0, that means it will not work. So, I believe you already know enable. So, as of now, let us just ignore enable. So, ये जो चीज़ें हम already देख चुके हैं, we have already seen this. Fine. Now, I have to tell you two things. One is, what is the function table? यहाँ पर इसकी function table क्या रहेगी? What is the function table? And secondly, I have to tell you, what is the excitation table? Excitation table क्या रहेगी? Function table as well as the excitation table. Okay, so in your function table
फंक्शन टेबल इज जस्ट अ वेरिएबल एंट्रेंट ऑफ दिस टेबल. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो कि इस टेबल का जो वेरिएबल एंट्रेंट है मैं उसको फंक्शन टेबल बोलूंगा. सो इन दैट वेरिएबल एंट्रेंट आई एम गोइंग टू टेक एस एंड आर, करेक्ट. सो आई एम गोइंग टू हैव एस आर एंड हियर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट क्यू एन प्लस वन. आई होप इट इज विजिबल, अब सभी के साथ विजिबल होगा. सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस एंड आर 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. वी नो दैट व्हेन एस एंड आर बोथ आर 0, सो दैट मीन्स there is no change in the next state. तो यहाँ पर आपके पास आएगा Qn. So there will be no changes in the next state whatsoever. यहाँ पर कोई भी changes यहाँ पर नहीं रहेंगे. If I say that S is 0 and R is 1, अगर S की value 0 है और R की value यहाँ पर 1 है, okay? So अगर S की value 0 है और R की value 1 है, तो उस केस में आपके पास जो next state है वो आपके पास 0 रहेगी. That means there will be the next state will get reset. आपकी जो next state है वो reset हो जाएगी. उसके बाद अगर S की value 1 है और R की value 0 है, if S is 1 and R is 0, that means it will set. And if both of them are 1, अगर दोनों 1 है, तो उस case में it will be a don't care condition. तो ये आपकी don't care condition आएगी. So in this way you can easily make this function table. So basically function table is just a variable entrant of characteristic table. Now let us look at what is excitation table. Excitation table देखने की कोशिश करते हैं. Okay, so in your excitation table, these tables just help you to solve questions. So this is Qn, this is Qn plus 1, this is the value of S, this is the value of R. So what we try to identify, ki agar Qn ki value 0 se lekar 0 par hi change hui, if the present state is 0 and the next state is 0, to us case mein S ki value kya thi aur R ki value kya hai. If the present state is 0 and the next state is 1, to S ki value kya hai aur R ki value kya hai. If the present state is 1, next state is 0, what is the value of S and R? If the present state is 1 and next state is also 1, then what is the value of S and R? This is what we are trying to identify. So check karenge, if you look at this table, if the present state is 0 as well as the next state is 0, in dono cases mein, aapke paas S ki jo value hai, wo 0 hai aur R ki value change ho rahi hai. So R can change its value from 0 to 1. So that means here the value of S is 0 and R is a don't care condition, because it can change a value 0, it can take a value 1, anything it can take. Next, if the value of present state is 0 and the next state is 1. Agar aapke present state 0 hai aur next state 1 hai, sirf yahi case available hai yahan par, right? I think there is no other case available. So you can also argue, sir, this don't care condition can take a value 0, it can also take a value 1, you can also include. Obviously you can include, but for simplicity purpose let us do this. Ki agar Qn ki value 0 hai aur Qn plus 1 ki value 1 hai, to yahan par S ki value kitni hai? 1. Aur R ki value kitni yahan par? 0. So I'm going to write 1, 0 here. Next, अगर आपके पास Qn की value 1 है और Qn plus 1 की value 0 है, तो Qn की value अगर आपके पास 1 है और Qn plus 1 की value 0 है, तो यहाँ पर S की value कितनी है? 0. और R की value कितनी है? 1. So it is 0, 1. Next, अगर दोनों की value 1 है, if the present state is 1 and next state is also 1, present state is 1 and next state is also 1, in that case, S is changing its value, but R की जो value है वो same है, so the value of R is also same. So S can take don't care condition and R can take a value 1. So this is the excitation table here. So obviously this excitation table helps a lot to solve lot of questions. ये यहाँ पर बहुत सारे questions को solve करने में हमें help करता है, and using this table we can try and explain and elaborate lot of problems. Okay, now let us see, we have the circuit of SR flip flop. Can we minimize this circuit? क्या हम इस सर्किट को मिनिमाइज कर सकते हैं? Obviously we can minimize. How can we? Let us try to understand. तो यहाँ पर आपके पास ये जो enable है, I'm going to ignore this enable because I think we already know what is the function of enable. तो हम लोग यहाँ पर S, R और Qn की बात करेंगे. ठीक है, we have S, R and Qn. So I'm going to make this K-map for Qn plus 1. I'm going to assume that Qn plus 1 is a function. So इसके लिए मैं K-map बनाऊंगा. So in this K-map, you can see, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या है? You have S, you have R and you have Qn. आपके पास S है, R है और आपके पास Qn है, right? So I'm going to take this this K-map is for Qn plus 1. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, if you check it here, then maybe I can take S this side, I can take S complement and S, I can take R complement and Qn complement here, I can take R complement Qn and I can take R Qn here and R Qn complement. So obviously I've done it just so that we can do some practice for K-map. K-map, aap thoda sa usko remember kar sake, thodi practice kar sake K-map ki dobara se.
तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, वी आर हैविंग अ वैल्यू 1 हियर, दैट मीन्स इट इज एस कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन. तो एस कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन, दिस इज द वैल्यू. यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 1 है. नेक्स्ट, इट इज हैविंग अ वैल्यू 1 इन दिस केस. इस केस में इसकी वैल्यू 1 है, विच इज एस आर कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. तो आपके पास एस आर कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 है. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो हैविंग अ वैल्यू 1 हियर, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, विच इज एस आर कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन. सो इट इज एस आर कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एस आर कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन. यहाँ पर भी इसकी जो वैल्यू है वो 1 है. नाउ इट इज हैविंग अ वैल्यू, डोंट केयर इन दीज कंडीशंस, कौन कौन सा, एस आर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एस आर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर डोंट केयर है. देन वी हैव एस आर एंड क्यू एन, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू जो है वो डोंट केयर कंडीशन है. सो इफ यू सी दिस के मैप, तो इस के मैप में इफ यू ट्राई टू मेक दिस एक्सप्रेशन, अगर इसकी आप एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एस, ये जो है ये आपको एस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड इफ यू लुक एट दिस प्राइम इम्प्लीकेंट और कैसे एसेंशियल प्राइम, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन, ये आपको आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दैट मीन्स योर एक्सप्रेशन फॉर क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन प्लस एस. तो ये जो है ये आपकी क्यू एन प्लस 1 की एक्सप्रेशन होगी. एंड यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन टू क्रिएट अ सर्किट. तो यहाँ पर सर्किट कैसे बनाएंगे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एस, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर आर, हियर आई एम टेकिंग आर कॉम्प्लीमेंट, सो आई एम गोइंग टू गिव दिस आर कॉम्प्लीमेंट इन एन एंड गेट, एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस इन अ ऑर गेट हियर, एंड वट एवर द आउटपुट इज क्यू एन प्लस 1, राइट, सो आई एम गोइंग टू गिव दिस आउटपुट एज ए इनपुट हियर. तो ये जो एक सर्किट है, सो इन दिस वे I think it is visible. Yes, it is visible. So in this way, you can minimize this complete SR flip-flop. So आप देख सकते हैं, the SR flip-flop is such a easy flip-flop. बहुत आसान है. It is the most basic one. अब इसको use करके, we are also going to study other flip-flops. We are going to study JK flip-flop. We are going to study T flip-flop. There are a lot of other flip-flops जो हम discuss करेंगे. We are going to use SR flip-flops in them. So let us meet in the next video. And the next video, we will discuss about the JK flip-flop. Hello everyone, in our previous session we were having discussion regarding flip-flops. In this session again we are going to continue our discussion, and I'm going to introduce you more kinds of flip-flops. We have already discussed about the SR flip-flop, there is also called as SR latch. Hum SR flip-flop ko SR latch bhi bolte hain, aur is session mein hum jo discussion hai usi ko continue karenge, and we will be taking more examples regarding flip-flops. Okay, so let's see them one by one. So this is something that we have discussed. So in this SR latch, we can also introduce an enable line. So that means if we pass 1 to this enable line, then this circuit will work. If we do not pass 1, I mean if we pass 0, then this will not work. So somehow like this, we can create an enable line. And then here you can see this is the logic system. So in this logic system, you can find it out that we can also represent the same diagram like this. In this system, okay. अच्छा, एक चीज और है आपको notice करनी है यहाँ पर. When I passed this enable line, now in this enable line we are passing it to the NAND gate. हम इसको NAND gate में pass कर रहे हैं. We are not passing it to the AND gate. So obviously, अगर आप enable line को NAND gate में pass करेंगे, so according the logic of zeros and one will change, right? अगर हम लोग enable line के अंदर zero pass करेंगे, if you are going to pass zero in the enable line, obviously these two will always return a value 1. इन दोनों की हेल्प से हमारे पास हमेशा वैल्यू 1 आएगी. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू थिंक अबाउट कि हम इसके अंदर ऐसी वैल्यू क्या पास कर सकते हैं ताकि हम इस सर्किट को डिसेबल या फिर एनेबल कर सकें. बट अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज जनरली हम इसको ऐसा नहीं करते हैं. सो वी इंस्टेड ऑफ दिस वी ऑल्सो पास योर क्लॉक फ्रिक्वेंसी. लेट अस डिस्कस अबाउट इट. ठीक है, तो ये चीज़ हमने कल प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था. सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट दिस SR फ्लिप फ्लॉप और यू कैन से SR लैच. And this is the characteristic table of SR flip-flop, or you can say SR latch. So, this characteristic table mein aap dekh sakte hain ki whenever both S and R are 0, then there is no change. When both S and R is 0-1, yani ki R ke andar 1 set kiya, that means it is a reset. So, reset case mein humare paas reset aayega. Then we pass S as 1 and R as 0. Agar hum S mein 1 pass kiya, R ke andar 0 pass kiya, then it is set. If we pass 1-1 in both of them, तो उस केस में हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट स्टेट आती है. सो वी ऑल्सो कॉल इट एज ए डोंट केयर कंडीशन. करेक्ट.
सो यू कैन क्रिएट अ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस. इसके लिए आप इस तरीके से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट दिस. आपके पास क्यू एन प्लस वन को आप फंक्शन एज्यूम कीजिए. यू टेक एस आर एंड क्यू एन. तो एस आर और क्यू एन को हमने इसके मैप के अंदर पास किया एंड बाय पासिंग दिस यू कैन मेक अ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइक दिस एंड यू कैन इवन मिनिमाइज द सर्किट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप. आप एस आर फ्लिप फ्लॉप के सर्किट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं. नो दिस समथिंग स्पेशल हियर. यू कैन सी that in this SR circuit I have passed something like CP. So in some books it is also written as CLK. So CP bhi likha ho sakta hai, CLK bhi likha ho sakta hai, right? So basically iska matlab kya hai ki hum log yahan par clock pass kar rahe hain. Clock, dekho clock ka matlab kya hai, what do I mean to say by clock? Generally kya hota hai ki aapke paas jo bhi aapke circuits hain, jaise in your computer system or in any of your devices there are lot of circuits are present, राइट? ऐसा भी हो सकता है यू हैव एन एडर लॉजिक, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विच आर वर्किंग इन योर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल ऑफ देम माइट वर्क ऑन अ डिफरेंट टाइम. तो अगर हमें सभी सर्किट के सभी एलिमेंट्स को अगर हमें एक साथ काम करवाना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देन वी हैव टू मेक दम वर्क ऑन अ क्लॉक. मतलब हम एक क्लॉक पास करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द क्लॉक दीज एलिमेंट्स विल वर्क. क्लॉक की टाइम से वो काम करेंगे अदरवाइज दे विल नॉट वर्क. सो टू सिंक्रनाइज द वर्किंग ऑफ ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स ताकि ये सभी एक साथ काम कर सके, एक तरह सिंक्रनाइजेशन में काम कर सके, हम लोग वहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंसी हम लोग क्लॉक का यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो हमारे पास क्लॉक है, क्लॉक इज़ बेसिकली अगेन इट इज़ बेसिकली यूज फॉर टाइमिंग ताकि सभी की टाइमिंग परफेक्ट हो, टाइमिंग सेम रहे. तो हम लोग कुछ क्लॉक को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ इन दिस क्लॉक यू कैन सी हमारे पास दो चीज़ें हैं. सो दिस इज़ बॉटम, दिस इज़ अप एंड दीज आर द एजेस, राइट? तो क्लॉक के अंदर हमारे पास कुछ एजेस होती हैं. सो इन अ क्लॉक यू कैन सी हमारे पास क्या क्या है. ये जो आपके पास एज है क्लॉक के अंदर, सो दिस एज आई शुड ड्रॉ इट इन दिस मैनर. सो दिस एज दैट वी हैव इन द क्लॉक, सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव लेवल. हम इस एज को बोलते हैं यहाँ पर नेगेटिव लेवल. वी कॉल इट एज ए नेगेटिव लेवल, ओके? And whenever we have this kind of edge, so for example here, sabhi aapke paas jo yahan par aa raha hai har jagah par, this kind of level is called as your positive level. Isko hum bolte hain positive level, correct? In the same way, agar aap yahan par isko check karenge, if you check it this one, so this is called as your positive edge. Isko hum positive edge bolte hain. And if you look at this one here, so this is called as your negative edge. इसको हम बोलते हैं negative edge. ठीक है? So again, let me repeat. So this is your negative level. This is your positive edge. This is your positive level. This is negative edge. Negative level. Positive edge. Positive level. Negative edge. Negative level. Positive edge. Positive level. Negative edge. In this way, this clock सिग्नल्स आर सेंट. अब ये जो सभी क्लॉक सिग्नल्स आपके पास है, सो वी से वी सिंक्रनाइज ऑल द सर्किट्स. मतलब जितने भी सर्किट्स आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है, वी सेंड दिस क्लॉक टू ऑल ऑफ दोज सर्किट्स. लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग लाइक दिस. सो लेट अस अज्यूम दैट यू आर हैविंग अ सर्किट. सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप. ये आपके पास कुछ फ्लिप फ्लॉप है. मे बी यू हैव कनेक्टेड सम फ्लिप फ्लॉप्स टुगेदर. जैसे ये एक दूसरा आपके पास फ्लिप फ्लॉप है, दिस इज फ्लिप फ्लॉप टू, यू हैव अ फ्लिप फ्लॉप थ्री. यू कैन हैव मल्टीपल डिवाइसेज, यू कैन हैव फ्लिप फ्लॉप्स, यू कैन हैव यू नो मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेज हियर, राइट? वट वी कैन डू इज वी वॉन्ट दैट ऑल ऑफ देम शुड वर्क टुगेदर. सभी एक साथ काम करें. ऐसा नहीं होना चाहिए दिस इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दिस इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दिस इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट? अगर इंडिपेंडेंट काम करेंगे, हाउ कैन दे सिंक्रनाइज? उनका काम कैसे प्रॉपरली हो पाएगा? सो वट वी डू इज we take this clock and we give this clock to these flip flops. Hum is clock ko in flip flops ke andar de sakte hain. What will happen because of that? Whenever this there will be a clock pulse, according to the clock pulse these flip flops will start working. Ab isme hum log kuch aisa bhi kar sakte hain. We can do something like this, that whenever we can say whenever there exists a positive level then only flip flop can work. To usko hum bolte hain flip flop ko positive level triggered flip flop. If I say that these flip-flop will only work whenever there is a negative edge, then we can say it is a negative edge triggered flip-flop. Yani ki, let me explain you with the help of a diagram. So in any flip-flop, for example, this is your SR flip-flop. Agar aapke paas koi bhi flip-flop hai, in any flip-flop, right?
इफ यू सी समथिंग लाइक दिस, अगर आप कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जब भी आपके पास इस पूरी क्लॉक के अंदर पॉजिटिव लेवल आएगा तभी आपका फ्लिप फ्लॉप काम करना शुरू करेगा, अदरवाइज इन योर नेगेटिव लेवल नेगेटिव एज दिस फ्लिप फ्लॉप विल नॉट वर्क. नाउ इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, इफ आई सी समथिंग लाइक दिस, दैट दिस इज योर एस आर फ्लिप फ्लॉप, दिस इज योर एस, दिस इज योर आर, एंड इन दिस एस आर फ्लिप फ्लॉप इफ आई पास अ क्लॉक लाइक दिस वेयर वी हैव अ बबल हियर, यहाँ पर आपके पास एक बबल है, इफ यू हैव अ बबल हियर दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, यह आपकी क्लॉक है एंड दिस फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज योर नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. ओके, वट इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, अगर आपके पास किसी भी फ्लिप फ्लॉप के अंदर कुछ ऐसा बना हो, सो इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस दैट लाइक दिस राइट, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ साइन दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि फ्लिप फ्लॉप से तभी काम करेगा जब भी हमारे पास क्लॉक के अंदर पॉजिटिव एज आएगी, अगर हमारे पास क्लॉक के अंदर पॉजिटिव एज नहीं आएगी देन दिस विल नॉट वर्क. ओके, इन द सेम वे, सो दिस इज योर एस आर फ्लिप फ्लॉप, दिस इज एस एंड दिस इज आर, एंड इन दिस फ्लिप फ्लॉप इफ यू गेट समथिंग लाइक दिस, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, सो हियर वी हैव अ बबल हियर, तो सेम बबल यहां पर भी है, आई थिंक आई कैन ऑल्सो ड्रॉ इट क्लियरली, इसको थोड़ा सा और क्लियरली बना सकता हूं मैं. सो हियर इफ यू हैव अ बबल लाइक दिस, अगर यहाँ पर एक बबल है इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये आपका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है. लेट मी रिपीट अगेन, दिस फ्लिप फ्लॉप वेयर क्लॉक इज गिवन डायरेक्टली, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, दिस फ्लिप फ्लॉप वेयर वी पुट अ नॉट साइन इन द क्लॉक, दिस इज योर नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड, दिस फ्लिप फ्लॉप इज योर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड दिस फ्लिप फ्लॉप इज योर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, यानी कि ये फ्लिप फ्लॉप तभी काम करेगा जब भी आपके पास ये पॉजिटिव लेवल आए, दिस इज अ पॉजिटिव लेवल. ओके, this is the positive level, correct? Now this flip flop we only work whenever we have this negative level, agar aapke paas negative level aayega tabhi ye flip flop kaam karega, otherwise it will not work. Okay, in the same way this flip flop will only work whenever positive edge, yani ki jab bhi hamare paas clock ke andar ye wali edge aayegi, this is called as your positive edge. So whenever we have positive edge, then only this flip-flop will work, and this flip-flop will work only when we have a negative edge. So if we can do something like this, तो इसे क्या होगा कि जितने भी हमारे पास सर्किट्स हैं, जितने भी हमारे पास गेट्स हैं, या फिर आपके पास जितने भी फ्लिप-फ्लॉप्स हैं, हम सभी के वर्किंग को सिंक्रनाइज कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे चेंज देयर आउटपुट्स अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, आई मीन दे चेंज देयर आउटपुट्स अकॉर्डिंग टू द इनपुट, तो हम सभी की वर्किंग को सिंक्रनाइज कर पाएंगे. So we will see a lot of examples regarding this clock in future videos also. Right now let me explain with the help of example. मैं थोड़ा सा भी आपको explain करता हूँ कि how this clock will affect our flip-flops. Okay? So this is the truth table of your SR flip-flop. Do one thing, please note down this truth table. Pause the video, note down this truth table in your notebooks, because we are going to look at this truth table while I explain you the clock. हम इस truth table का बहुत ज़्यादा use करेंगे, please try to use it. Okay? So what we do here is, जो भी आपके पास SR flip flop है, you can see this is your SR flip flop. So in this SR flip flop, we can add this. So in this SR flip flop, we can add this clock here, and with this clock, we also use a positive edge detector. So this positive edge detector will check whether whenever you will get a positive edge. जब भी आपके पास एक positive edge आएगी, it will detect and it will enable this. Right? तो हमने यहाँ पर क्या किया? देखो, as you can see, हमने यहाँ पर क्या किया? Let us do step by step. So first of all, we have introduced this enable line. हमने यहाँ पर enable line को introduce किया, and with this enable line, we have introduced a positive edge detector. So जब भी आपके पास क्लॉक के अंदर पॉजिटिव एज आएगी, नाउ दिस पॉजिटिव एज डिटेक्टर विल एक्टिवेट दिस एनेबल लाइन, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो फ्लिप फ्लॉप है ये आपका काम करना स्टार्ट करेगा, दिस फ्लिप फ्लॉप विल स्टार्ट वर्किंग. सो अगेन यू कैन सी दिस अ पॉजिटिव एज डिटेक्टर, सो वी कैन मेक दिस फ्लिप फ्लॉप वर्क अकॉर्डिंग टू दिस पॉजिटिव एज डिटेक्टर ओनली, तो हम फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग को इसे कंट्रोल कर पाएंगे. सो एज आई सेड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर पॉजिटिव लेवल, this is representing your negative level, you can also make notes because of this, and this is representing your positive edge and this is representing your negative edge. To aap in sabhi ko notes ke andar bana sakte hain, jo bhi yahan par whiteboard ke andar likha hai. So obviously I'm giving you PPTs for this, lekin jo bhi yahan par likha hai, I suggest all of you please make your own notes. Agar aap apni notes banayenge,
ऑब्वियसली दिस थिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी. ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स. ओके राइट, नाउ लेट अस एक्सप्लेन कि ये कैसे काम कर करता है, हाउ दिस ऑल थिंग विल वर्क. ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज, लेट अस टेक इट. तो ये हमारे पास एक एस है. ठीक है, सो लेट मी मेक एस हियर. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एस. ठीक है, सो आई एम टेकिंग सम रैंडम वैल्यूज ऑफ एस. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो दिस इज अ क्लॉक, राइट, दिस इज द वैल्यूज ऑफ एस. सो दीज आर सम रैंडम वैल्यूज. इसका मतलब क्या, व्हाट डू आई मीन टू से बाय दीज रैंडम वैल्यूज, कि हम जो एस इनपुट जो हम लोग देते हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर, वी आर दिस एस इनपुट इज हैविंग दीज वैल्यूज. मतलब इस तरीके से वो वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है. आई मीन वी आर चेंजिंग और मे बी द सर्किट इज चेंजिंग, राइट. सो हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द एस इज हैविंग अ वैल्यू 0, इट इज रिप्रेजेंटिंग एस इज हैविंग अ वैल्यू 1, इट इज रिप्रेजेंटिंग एस इज हैविंग अ वैल्यू 0, इट इज रिप्रेजेंटिंग एस इज हैविंग अ वैल्यू 1, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एस इज हैविंग अ वैल्यू 0. ओके, इन द सेम वे आई टेक द आर. हम लोग यहाँ पर आर लेते हैं. सो लेट अस अज्यूम दिस इज योर आर. So I'm making it randomly. देखो, I was having no plans whatsoever. मैं कुछ ऐसा special plan नहीं था. I'm just trying to make it randomly. ठीक है, I'm making it randomly. Fine. And then, so this is the output. This is representing your output Q. ये आपका output Q को represent कर रहा है. Okay. Now I told you, let us assume that our flip-flop is your positive level triggered. तो जो सबसे पहला Q है आपका, यहाँ पर ये assume कर रहे हैं कि जो आपका flip-flop है वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है. पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड मीन्स वेन एवर देर इज अ पॉजिटिव लेवल देन ओनली फ्लिप फ्लॉप विल वर्क, अदरवाइज फ्लिप फ्लॉप विल नॉट वर्क. ठीक है, सो इन द फर्स्ट केस, इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम अज्यूमिंग इट इज अ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. यानी कि जब आपके पास नेगेटिव लेवल आएगा देन फ्लिप फ्लॉप विल नॉट वर्क, इट विल नॉट टेक एनी कंसिडरेशन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ एस एंड आर. ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, एंड दिस इज 0. सो दीज वैल्यूज आर चेंजिंग रैंडमली, कि जो भी हमने जहाँ पर भी जिस सर्किट के अंदर हमने फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया है उस सर्किट के अंदर हम एस और आर की जो वैल्यूज है वो इस तरीके से रैंडमली कुछ चेंज हो रही है. ओके, नाउ हियर लेट अस अज्यूम इनिशियली जो आपका आउटपुट था, इनिशियल आउटपुट, राइट, इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू इज समथिंग लाइक, लेट अस अज्यूम दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू विच इज 1. ठीक है, नाउ एज सून एज देयर इज अ पॉजिटिव लेवल, जब भी आपके पास पॉजिटिव लेवल आएगा, वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एंड आर. द वैल्यू ऑफ एस इज 0 एंड आर इज 1. सो दिस पॉजिटिव 1 वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इमीडिएटली चेंज टू अ वैल्यू 0. इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट. एंड राइट नाउ हियर इट इज अ नेगेटिव लेवल, इवन दो एस की वैल्यू 1 है और आर की 0 है, लेकिन ये एक नेगेटिव लेवल है. सो बिकॉज इट इज अ नेगेटिव लेवल, दिस वैल्यू विल नॉट चेंज. ये जो वैल्यू है आर की आउटपुट की, आपकी वैल्यू सेम रहेगी. Now, as soon as there's a positive level, जैसे ही सिग्नल का पॉजिटिव लेवल आएगा, then what will happen? Here can it will say कि S की value 1 है और R की 0 है, that means I have to set. So again, this output will set to 1. Again, we have a negative level. So negative level पे कुछ भी work नहीं होगा, there's no working here. Now, as soon as we have a positive level again, we are going to check the value of S is 0 and R is 1. तो यानी कि ये दोबारा से reset हो जाएगा until the next positive level. अब यहाँ पर पॉजिटिव लेवल आया, यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है 0 और आर की वैल्यू कितनी है 0, बोथ एस एंड आर 0. दैट मीन्स जब एस और आर दोनों 0 होते हैं उस केस में जो हमारा आउटपुट होता है वो चेंज नहीं होता, योर आउटपुट रिमेन्स द सेम, राइट. सो जो आउटपुट अगर आपका 0 है इट विल रिमेन 0, अगर आउटपुट आपका 1 है देन इट विल रिमेन 1, राइट. सो राइट नाउ द आउटपुट इज 0. सो हियर इट विल रिमेन 0 टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल. अब दोबारा से यहाँ पर पॉजिटिव लेवल आया, सो इन दिस पॉजिटिव लेवल राइट नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एस इज, एस की वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ पर 1, और आर की वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ पर 0, करेक्ट. आर की वैल्यू 0 है, सो दैट मीन्स इट विल इमीडिएटली चेंज टू 1, करेक्ट. बट यू कैन सी ये जो आपके पास पॉजिटिव लेवल है, इन दिस पॉजिटिव लेवल इमीडिएटली वैल्यू ऑफ आर चेंज फ्रॉम 0 टू 1. अब आर की वैल्यू भी 1 हो चुकी है और एस की वैल्यू भी 1 हो चुकी है. सो व्हेन बोथ द वैल्यूज आर 1, दैट मीन्स इट इज अ डोंट केयर कंडीशन. अगर दोनों वैल्यूज 1 है, इसका मतलब है कि ये एक डोंट केयर कंडीशन है. सो इन दिस डोंट केयर कंडीशन व्हाट विल हैपन, इन दिस डोंट केयर कंडीशन बोथ ऑफ यू नो दैट एसआर फ्लिप फ्लॉप इज नॉट डिफाइंड इन द डोंट केयर. एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है वो आई मीन व्हेन एस एंड आर बोथ आर 1, तो उस केस में एसआर फ्लिप फ्लॉप की जो वैल्यूज है वो इनडिटर्मिनेंट है. फॉर आवर सिंप्लिसिटी पर्पज, ताकि मैं इसको समझा सकूँ प्रॉपरली, आवर सिंप्लिसिटी पर्पज लेट अस अज्यूम, बिकॉज इट इज अ इनडिटर्मिनेट स्टेट, राइट, इट कैन टेक अ वैल्यू 0 और 1. लेट अस अज्यूम
that it takes the same value. Okay, so this is just for explanation purpose, right? So it will again check the same values when there's a positive level. So yahan par aapke paas positive level hai, the value of R is 1 and the value of S is 0. Correct? So dubara se reset hoga, again it will go till the next positive level. So you can see this is how the output will change according to the positive edge, positive level, negative edge, negative level. Right? Now this was for ye jo pehla example humne liya tha, this example, let me make it here. Let me write. So this example that I have taken, this is for positive level triggered flip-flop. Ye jo example tha, ye positive level triggered ka example tha, right? So let us take the next example for positive edge triggered. Yani ki ye jo aapke paas hai, this is for positive edge triggered. Theek hai? So yani ki jab bhi aapke paas positive edge aayegi, kahan par aapke paas positive edge, these are the positive edges. Jab bhi aapke paas positive edge aayegi, then only the output will change, otherwise it will not change. So assuming that initially the value of Q is 0, initially Q ki value kitni hai? 0 hai. Now in this positive edge, the value of S is 0 and R is 1. Yani ki wo reset hi rahega, it will remain reset until the next positive level. In this positive level, the value of R, S is 1 and R is 0. Yani ki ye set ho jayega. So dubara se jab tak aapke paas next yahan par level nahi aayega. So you can see you have a positive edge here. Jab jaise hi dobara paas aapke paas dobara se positive edge aayegi, to yahan par ye S aur R ki value ko check karega. You can see in this positive edge the value of S is becoming 0 and the value of R is 1. To yani ki reset ho gaya, dobara se 0 ho jayega aur next positive edge ka wait karega. Right? So again in this positive edge, S is 0 and R is changing to the value 0. Yani ki dono 0 ho jayenge. If both of them are 0, no changes. Now in this positive edge, the value of S is changing to 1 and the value of R is changing to 0. So S 1 hai, R 0 hai. Correct? So iska matlab hai set hoga. So dobara se this will set. Again it will look for the positive edge. So here the value of S is 0 and R is 1. Yani ki reset. So dubara se reset ho jayega, again it will go like this. So you can see right now I think so there are some changes here. Aisa zarur nahi ki har bar same hi mile. There are some changes here. Here initially jo values thi, I think most probably their values are remaining the same. Inki jo values hai most probably yahan par same hai, is example mein same hai. But it can happen that if you take some other values of S and R, agar aap kuch S aur R ki values ko lenge, to aisa ho sakta hai ki in dono cases mein aapke paas jo output hai wo alag alag mile. It can happen, there is a high possibility, it can definitely happen, right? So aisa nahi hai that every time if you have a positive level triggered and if you have a positive edge triggered, their outputs are exactly the same. Aisa bilkul bhi nahi hai. It does not happen like this. It only depends ki jab bhi aapke paas yahan par positive edge hai ya fir jab bhi aapke paas positive level hai, to us samay par S aur R ki value kya hai, right? So in this way we can control the flip-flops with the help of clock, right? So whatever flip-flop we are going to study right now, maybe in future you are going to study JK flip-flop or D flip-flop or T flip-flop, whenever we use these kind of flip-flops in your circuit, we check whether it is a positive level triggered, is it a positive edge triggered, or whatever it is. So hum log sabhi flip-flop ko clock se control karte hain. Okay, I hope that you understood this. Aapko itna samajh mein aaya hoga. Let us move forward.